गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ म्यूजिक फ्लावर के जेल लाइनर के बारे में। गाइस, इसके यूजर्स एंड इसके छोटे छोटे रिव्यू मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है एंड ये टू पेयर्स में ही आते हैं गाइस। एंड इसके दो शेड भी होते हैं, एक ब्लैक और ब्राउन होता है, सेकंड जो होता है ब्लैक एंड ब्लू होता है। आई थिंक सो मेरे पास जो शेड है गाइस वो ब्लैक एंड ब्राउन का शेड है। एंड इसमें दिया है गाइस कि स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ जेल लाइनर है। एक्चुअली मैंने इसे ट्राई नहीं किया है कि ये 24 आवर्स स्टिक करता है कि नहीं करता है, बट इसे यूज करने में काफी ज्यादा इजी प्रोडक्ट है गाइस ये। अब कुछ अगर हम इसके अंदर के प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ अंदर का जो कार्डबोर्ड है इस टाइप की, ये कार्डबोर्ड में आता है, अंदर भी एक कार्डबोर्ड रहता है इस तरीके का। एंड इसके साथ में दो छोटे छोटे से ब्रशेस भी आते हैं। इसे मैंने यूज किया है गाइस, तो आप देख सकते हैं ये थोड़े गंदे हैं, बट ठीक है, मैं इसे वॉश कर लूंगी। एंड इसके अंदर छोटे छोटे से दो बॉक्सेस है, देख सकते हैं आप, ये ब्राउन शेड है एंड ये ब्लैक शेड है। ट्रांसपेरेंट बॉटल है, आप इसके कलर इजीली देख सकते हैं कि कौन से कलर का ये है। एंड इसका ब्लैक कलर का इसका कैप। एंड अगर हम इसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात करें गाइस, तो इसमें एक जो ये बोतल होता है इसमें 3 ग्राम की क्वांटिटी होती है। मतलब जो आपके पास दो छोटे छोटे ये कंटेनर है, इन दोनों में आपको 3-3 ग्राम का प्रोडक्ट इसमें आपको मिल जाता है। एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है 3 इयर्स का है गाइस। ओके गाइस, अब हम इसे यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपके पास शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले यूज करने वाली हूँ गाइस, एक्चुअली ये लाइनर है बट मैं इसे एज अ काजल यूज करने वाली हूँ। ये मैं अपने वाटर लाइन के नीचे से यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल जो काजल होते हैं उससे मुझे वाटर लाइन के नीचे में से ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। ये काफी ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है गाइस, और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस पे जैसे कि लिखा हुआ है कि वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ है, बट नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ नहीं है, मतलब ये 24 आवर्स आपके आईज पे स्टे भी नहीं कर सकता है गाइस। सो इसकी क्वालिटी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इसमें बस ये क्वालिटी ज़रूर अच्छी है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है। तो एंड सेकंड, हम इससे स्मोकी आइज क्रिएट करेंगे गाइस, तो मैं इसे आउटर वी पर ही अप्लाई करूँगी, पूरे इनर वी पे अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड क्रीमी है, तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं इसे अप्लाई नहीं करूँगी। एंड ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है आपको इस लाइनर का। इस स्मोकी आइस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने गोल्डन शेड के साथ इसको ब्लेंड किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है ये गोल्डन शेड के साथ, आप देख सकते हैं। थर्डली, मैं इसे अपने ब्राउ फिल करने के लिए यूज़ करूँगी गाइस, एंड काफ़ी अच्छा ये है। ब्राउन कलर से हमारी जो ब्राउज रहती है ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है, एंड मैं कभी भी अपने ब्राउ को फिल करने के लिए इसी का यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एक ही हम आईलाइनर से कितना कुछ कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ये क्रीमी है, तो मतलब बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है इसको अप्लाई करने में। काजल आप देख सकते हैं एंड आई शेडो आप देख सकते हैं एंड आप ये मेरी ब्राउज भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये फेल हो चुकी है। अगर आपको यहाँ मेरी वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये यूजर्स कैसे लगे हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।